हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक अपडेट लेकर आ गए हैं, या टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके, जैसा आपके सामने है, डीएल से रिलेटेड। जी हाँ, जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी अनदर स्टेट में रहते हो, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो उसके लिए क्या अलग अलग वेबसाइट है, तो कहाँ पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप या आपके परिवार में से कोई डीएल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो पहले उसे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना रहेगा। जी हाँ, लर्नर लाइसेंस के बाद वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी स्टेट से हो, तो वो जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, तो आपने जैसे दिल्ली सिलेक्ट किया, तो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको अप्लाई करना है, लाइसेंस से रिलेटेड, रिन्यूअल से, डुप्लीकेट से, कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रिंटआउट चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और इसके साथ साथ कुछ पेंडिंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है, पेमेंट का जो स्टेटस है वो चेक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इनमें से जो भी आपका पेंडिंग प्रोसेस रहता है, तो उसके बेस पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर लाइसेंस के लिए। जी हाँ, तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट और ये फॉर्मेट होना चाहिए। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके साथ साथ ई सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, फीस पेमेंट करनी है, और फिर आप अपना जो वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है और आपको टेस्ट देना रहेगा। तो ये प्रोसीजर है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे तीन। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है अभी तक, या आपने ऑल ओवर इंडिया में अभी तो कोई भी, चाहे वो लर्नर है या परमानेंट लाइसेंस है, कि अभी तक आपने कुछ भी इशू नहीं किया दोनों में से, तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डीएल है या एलएल है, तो आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना रहेगा। अदरवाइज आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इस पे क्लिक करना है, आधार कार्ड नहीं है तो इस पे क्लिक करना है, क्योंकि आधार कार्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपको आधार कार्ड के जरिए आपको जो सबमिट है वो करना रहेगा फॉर्म। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। जी तो ये थी बेसिक डिटेल। बाकी जो डिटेल है, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म आपको फिल करनी है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जो स्लॉट है वो बुक करना है, और जो आपको टेस्ट देना रहेगा, उसके बाद आप डीएल आपको आपके जो एड्रेस पे ये आपको रिसीव होगा। जी तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।